हम सुबह सुबह निकल चुके हैं और ये देख रहे हैं रोड पे इतने गौ माता हैं और यहाँ से 30 किलोमीटर अभी पन्ना है, पन्ना मुझे जाना है। और हम सुबह सुबह अभी जस्ट उठा और महाराज जी से आशीर्वाद लिया और सुबह सुबह निकल चला। चलिए रास्ते में क्या हो रहा है। और ये रोड है, थोड़ा चढ़ाई है, पन्ना तक बोल रहे थे महाराज जी, थोड़ा चढ़ाई है ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बट कोई बात नहीं, सब भोलेनाथ की कृपा से सब सही हो जाएगा। और देख रहे हैं तो कुछ इस तरह का ये आपका लोकेशन है और ये खजुराहो का है, ये इस साइड जंगल है और मेरे पीछे उधर से खजुराहो से रोड आ रही है, खजुराहो ही है पूरा। तो मज़ा आ रहा है गाइज, आप भी निकलिए, साइकिल चलाइए। और ये भैया देखो उधर व्यायाम कर रहे हैं, सुबह सुबह अभी सूरज भगवान नहीं निकले हैं, तब से शायद 10-15 किलोमीटर यात्रा हो जाएगी, देखते हैं क्या सीन होता है। चलिए आज पन्ना पहुंचना है, पन्ना से आगे पन्ना ही ठहरना है, दोपहर बिताना है। चलिए गाइज, जैसे ही आप अपडेट कराता रहूँगा। तो गाइज मैं अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में एंट्री कर चुका हूं और ये जो आप देख रहे हैं नदी, ये कैन नदी है जो हमारी सिंगरौली की गोपत नदी के बराबर, और आप देख सकते हैं गोपत के बराबर ही चौड़ाई है जो सिंगरौली में गोपत नदी बहती है। और इतना ही यहाँ पर है पानी लेवल, इसका थोड़ा सा बहाव ज़्यादा है और यहाँ बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई। और ये देख सकते हैं वहाँ तक चौड़ी सिर्फ उतना ही है और ये पूरे जंगल है पन्ना टाइगर रिजर्व, और मैं इसी से गुजर रहा हूँ अभी। यहाँ से करीब पन्ना टाइगर रिजर्व तो 25 किलोमीटर होगी, तो मुझे 25 किलोमीटर यात्रा करना है और काफ़ी घनघोर जंगल है और यहाँ से जंगल प्रारंभ हो जाता है पूरा पन्ना टाइगर रिजर्व, और यहाँ से घाटी भी पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज बस यही सीन है, आगे जाएंगे हम आपको बताएंगे। और ये पुराना पुल है, काफ़ी पुराना हो गया, गड्ढे भी बहुत हैं तो यहाँ प्रॉब्लम भी है, इसलिए चलिए चलते हैं, निकलते हैं। तो गाइज मेरा साइकिल पंचर हो गया बीच जंगल में और ये देख सकते हैं ये पूरा पंचर हो गया, पता नहीं क्या हो गया है, अब देखता हूँ। और ये ख़तरनाक सीन जंगल में हो गया और ये देख रहे हो पूरे जंगल ही जंगल है, देख रहे हो, और घाटी में ही पंचर हो गया है और देख रहा हूँ ख़तरनाक सीन हो गया भाई। ये देखो पूरा हवा ये दब जा रहा है, टायर नीचे दब गया है, देख रहे हो ये पूरा दब गया है, तो शायद ही पंचर होगा। ये देखो ये, तो ये पूरा सीन है और यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है, टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे चौकी है, छोटा सा ये चौकी है वन विभाग का, मेरे पीछे जंगल, काफ़ी जंगल है, बहुत जंगल। और ये घाटी वाली रोड इधर से आती है और ये रोड जो होती है घाटी से आती है। चलिए गाइज पंचर बनाते हैं, ख़तरनाक सीन हो गया, आते आते पंचर हो गया, पंचर बनाएंगे। गाइज ये देख रहे हैं ख़तरनाक ट्रैक है और ये थोड़े थोड़े गैप बने हुए हैं, यहाँ फालू वगैरह हो सकता है, इसलिए यहाँ निकलना ज़रूरी है। साइकिल तो बनाया था गाइज, लेकिन पुनः हवा दब रहा है, शायद पंचर खुल गया। और ये ख़तरनाक ट्रैक, इतना चढ़ाई है गाइज, इतना चढ़ाई है, थक गया क्या ही बताएं। चलिए देखते हैं आगे चल के साइकिल खोलेंगे। गाइज भैया अभी समोसा खाना है, समोसा वाला है, और यहाँ से अभी सपना करीब 60 किलोमीटर होगा और मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से चला हूँ, 40-45 चला चुका हूँ, समोसा भी खाना है, समोसा खा के निकलना है। तो चलिए जैसे ही अपडेट कराता हूँ।